हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सार गुप्ता एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम चैप्टर 61 लोकपाल एंड लोकायुक्तास, चैप्टर 62 नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, चैप्टर 63 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पीबीएस एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की क्लास को। सबसे पहले देखते हैं अपना प्रीवियस डे क्वेश्चन। सो क्वेश्चन था, द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली डील्स विद ऑप्शन ए लैंड रिफॉर्म्स, ऑप्शन बी एंटी डिफेक्शन लॉ, ऑप्शन सी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन डी डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन बी एंटी डिफेक्शन लॉ। एंड जो 10th शेड्यूल है, इट वाज एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जहां तक बात है लैंड रिफॉर्म्स की, दैट इज बीइंग डेल्ट बाय 9th शेड्यूल। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात 11th शेड्यूल में होती है। एंड डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स की बात कहाँ होती है? 7th शेड्यूल में। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के साथ। एंड सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ टू स्पेशल अथॉरिटीज डेजिग्नेटेड एज लोकपाल एंड लोकायुक्त। यानी कि लोकपाल एंड लोकायुक्ता करके कुछ होना चाहिए, ऐसी रिकमेंडेशन किन कमिटीज ने की थी, किन समितियों ने किया था? तीन ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। सेकंड, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। थर्ड, एनसीआरडब्ल्यूसी। एनसीआरडब्ल्यूसी क्या है? नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चार ऑप्शन हैं अब आपके पास। ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी वन इन टू ओनली, ऑप्शन सी वन इन थ्री ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, एनसीआरडब्ल्यूसी, सभी ने कहा था कि लोकपाल एंड लोकायुक्ता का ऑफिस क्रिएट किया जाना चाहिए। जहां तक बात है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की, तो इसे सेटअप किया गया था 1966 में। इसके चेयरमैन कौन थे? मोरारजी देसाई, जो लेटर ऑन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बने। एनसीआरडब्ल्यूसी को सेटअप किया गया था सन 2000 में। इसके चेयरमैन कौन थे? एम एन वेंकटाचलैया, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं इंडिया के। जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन थी, इसको सेटअप किया गया था 2005 में। एंड इसके चेयरमैन कौन थे? वीरप्पा मोइली। सो इन तीनों कमीशन के चेयरमैन कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, द एनआईए वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? यानी कि जो हमारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, राष्ट्रीय जांच आयोग है, वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, यानी कि एनआईए किसके अंडर में काम करता है? गृह मंत्रालय के अंडर में। बट इट्स वर्थ टू नोट कि सीवीसी और सीबीआई, दे वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ओके, सो सीबीआई वर्क करता है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत, बट एनआईए वर्क करता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। सो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। थर्ड, द टर्म लोकपाल एंड लोकायुक्ता वर कॉइन्ड बाय, यानी कि जो लोकपाल एंड लोकायुक्त शब्द है, सबसे पहले किसने दिए थे या फिर सबसे पहले किसने बोला था? ए अशोक मेहता, बी पिनाकी चंद्र घोष, सी एल एम सिंघवी, डी दिलीप सिंह बुधिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एल एम सिंघवी। एंड ये रही एल एम सिंघवी की एक इमेज। एल एम सिंघवी लेटर ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे जो एक कमेटी बनती है, उसके चेयरमैन भी होते हैं। एंड ये रिकमेंड करते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनआईए, यानी कि राष्ट्रीय जांच आयोग के रिगार्ड्स में दो स्टेटमेंट है। पहला, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ 2001 पार्लियामेंट अटैक, यानी कि इसका जो गठन है 2001 में पार्लियामेंट अटैक्स हुए थे उनके बाद किया गया। सेकंड, इट इज द सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इन द कंट्री, यानी कि ये आतंकवाद के खिलाफ ये प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। कौन सा करेक्ट है? ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टू ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, बिकॉज एनआईए को 2001 पार्लियामेंट अटैक्स के बाद नहीं,
कब बनाया गया था? 2008 मुंबई अटैक्स के बाद, यानी कि 26/11 अटैक्स के बाद एनआईए का गठन किया गया। फिफ्थ क्वेश्चन, विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसकी स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई है? चार ऑप्शंस हैं, ए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, बी एपिडेमिक्स डिजीज एक्ट 2020, सी वाटर मैनेजमेंट एक्ट 2000, डी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। क्वाइट इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो क्वेश्चन में ही है। द करेक्ट आंसर इज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। वैसे भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो था वो कोरोना के टाइम यानी कोविड के टाइम बहुत न्यूज में था, सो ये क्वेश्चन आपसे तो बनना ही बनना चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल एक्सक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो लोकपाल का अधिकार क्षेत्र आता है उस अधिकार क्षेत्र में प्राइम मिनिस्टर नहीं आते। सेकंड, लोकपाल कैन नॉट प्रोसीड सुओ मोटो अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट, यानी कि लोकपाल जो है वो खुद से किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। करेक्ट क्या है? ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टू ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि जो लोकपाल का अधिकार क्षेत्र है उसके अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं। एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि जो लोकपाल है उसके पास सुओ मोटो पावर्स नहीं है। सुओ मोटो पावर्स यानी कि वो खुद से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। एंड ये क्या है? एक तरह का लिमिटेशन है लोकपाल के ऊपर। सेवेंथ, द TFFC सेल ऑफ NIA डील्स विद, यानी कि जो NIA है हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसकी TFFC सेल किस चीज की बात करती है, किस चीज से डील करती है? ए फेक करेंसी, बी टेरर फंडिंग, सी हीनियस क्राइम्स, डी बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों फेक करेंसी एंड टेरर फंडिंग दोनों से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इनफैक्ट अगर आप TFFC सेल नाम को देखोगे तभी आप समझ जाओगे कि फेक करेंसी एंड टेरर फंडिंग से डील करता है। TFFC सेल का फुल फॉर्म क्या है? टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल। ओके, एंड जहां तक बात है हीनियस क्राइम्स में, इसका मतलब एक ऐसे अपराध होते हैं जो बहुत ज्यादा क्रुएल हो, बहुत ज्यादा जघन्य हो, जैसे कि मर्डर, रेप एंड सेवरल अदर थिंग्स। सो ओके, एट्थ क्वेश्चन, द सिलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ लोकपाल शैल बी थ्रू अ सिलेक्शन कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ, पहला प्राइम मिनिस्टर, सेकंड स्पीकर एंड लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा, यानी कि स्पीकर भी रहेंगे और लीडर ऑफ ओपोजिशन भी रहेंगे लोकसभा के, थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई एक ऐसा जज जिसे चीफ जस्टिस ने नॉमिनेट किया हो, फोर्थ एमिनेंट ज्यूरिस्ट टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब आपको ये बताना है कि सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन रहता है। ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी वन एंड टू ओनली, ऑप्शन सी वन एंड थ्री ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब ये है कि ये पांचों के पांचों लोग जो हैं सिलेक्शन कमिटी के मेंबर होते हैं एज फार एज अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ लोकपाला कंसर्न। ओके, एंड जो एमिनेंट ज्यूरिस्ट है ना उसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है, बट किसकी रिकमेंडेशन पे? इन चारों के रिकमेंडेशन पे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके रिकमेंडेशन पे एमिनेंट ज्यूरिस्ट को अपॉइंट किया जाएगा। नाइन्थ, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ एनडीएमए, यानी कि एनडीएमए के पदेन अध्यक्ष कौन है? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, डी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है नीति आयोग के भी चेयरपर्सन होते हैं, एनडीएमए के भी चेयरपर्सन होते हैं, पहली वाली प्लानिंग कमीशन के भी चेयरपर्सन थे, एंड जो अपनी न्यूक्लियर काउंसिल होती है उसके भी चेयरपर्सन होते हैं, एंड बहुत सारी चीजों के वो चेयरमैन होते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, एंड ऑफ सेवरल अदर इंस्टीट्यूशंस। और ये रहे हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर। ओके, 10th क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव एडॉप्टेड द ऑम्बड्समैन सिस्टम। सो जो लोकपाल प्रणाली है उसको अपनाने वाला विश्व का पहला राष्ट्रमंडल देश कौन सा था? ए न्यूजीलैंड, बी स्वीडन, सी इंडिया, डी इंग्लैंड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए
न्यूजीलैंड। ओके, न्यूजीलैंड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के बगल में है, पैसिफिक ओशन में। एंड जो स्वीडन था, इट वॉज द फर्स्ट कंट्री टू हैव इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑम्बड्समैन सिस्टम। बट पहला कॉमनवेल्थ कंट्री जिसने ऑम्बड्समैन सिस्टम को एडॉप्ट किया था वो है न्यूजीलैंड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये ऑम्बड्समैन क्या है? ऑम्बड्समैन मतलब एक ऐसा ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया जाता है टू हैंडल कंप्लेन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल एक्शन। और इंडिया में ओम्बड्समैन किसको कहते हैं? लोकपाल को, लोकायुक्त को। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कॉमनवेल्थ क्या है? सो कॉमनवेल्थ क्या है? एक तरह का पॉलिटिकल एसोसिएशन है 54 मेंबर स्टेट्स का, जिसमें से ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो कभी ना कभी ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट थी, ब्रिटिश एम्पायर की टेरिटरी थी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इंडिया पहले ब्रिटिश रूल में था एंड आज कहाँ है? आज कॉमनवेल्थ का मेंबर है। बट बीइंग अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ डजंट मीन कि हम आज भी ब्रिटेन के गुलाम है। इसका मतलब ये नहीं होता, हमने कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है वो अपनी मर्जी से चुनी है एंड जब चाहे हम उस मेंबरशिप को टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके, 11th, चूज द करेक्ट पेयर। ऑन वन साइड वी हैव आर्टिकल 263, 61, 25, 44। ऑन द अदर साइड वी हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इंटर स्टेट काउंसिल, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नाउ यू हैव टू फाउंड आउट द करेक्ट ऑप्शन एंड फॉर दैट आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 263 है, कई बार हमने डिस्कस किया है, वो किसकी बात करता है? वो बात करता है इंटर स्टेट काउंसिल की। आर्टिकल 61 बात करता है प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की। आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। एंड आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, यानी कि 1 का सी, 2 का बी, 3 का डी एंड 4 का ए। 12th, NDMA falls under which ministry? जो NDMA है, National Disaster for Management Authority, वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? A, Ministry of Home Affairs, B, Ministry of Personnel, यानी कि कार्मिक मंत्रालय, C, Ministry of Defence, यानी कि रक्षा मंत्रालय, D, Ministry of Law and Justice, यानी कि कानून और न्याय मंत्रालय। The correct answer is option A, Ministry of Home Affairs. 13th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट। पहला, 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकपाल शैल कम फ्रॉम अमॉन्गस्ट एससीज, एसटीज, ओबीसीज, माइनॉरिटीज एंड वुमेन। यानी कि टोटल कितने मेंबर होते हैं लोकपाल में? 15। उसके 1/3 मेंबर कहाँ से होने चाहिए? एससी से, एसटी से, ओबीसी से, माइनॉरिटी से एंड वुमेन से। दूसरा, इट इनहेंस्ड मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट फ्रॉम 7 ईयर्स टू 10 ईयर्स। यानी कि जो लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट था, उसने करप्शन के ऊपर जो पनिशमेंट थी उसको 7 साल से कितनी कर दी? 10 साल मैक्सिमम पनिशमेंट। अब करेक्ट क्या है? ए, 1 ओनली, बी, 2 ओनली, सी, बोथ 1 एंड 2, डी, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि 1/3 मेंबर्स जो है लोकपाल के वो एससीज, एसटीज, ओबीसी, माइनॉरिटीज एंड विमेन से नहीं, बल्कि कितने होने चाहिए? 50% मेंबर्स, यानी कि आधे मेंबर्स जो है वो इस कैटेगरी से होने चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। इस एक्ट ने क्या किया था कि मैक्सिमम पनिशमेंट जो लोकपाल के लिए थी, या सॉरी, मैक्सिमम पनिशमेंट जो करप्शन के लिए थी उसको 7 साल से बढ़ा के कितनी कर दी थी? 10 साल। 14th क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ एनआईए इज लोकेटेड एट। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी भोपाल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दिल्ली, एंड ये रहा एनआईए का हेडक्वार्टर। 15th क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भारत में जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो किस देश से प्रेरणा लेते हैं, किस देश से इंस्पायर्ड है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सो जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। सो इस तरीके से खत्म होता है हमारा आज का सेशन। आई बिलीव आपको सेशन पसंद आया हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 64 कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड चैप्टर 65
ऑफिशियल लैंग्वेजेस पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे. सो डू प्रिपेयर दीज टू चैप्टर्स. टिल देन बाय बाय. थैंक यू एंड टेक केयर एंड हैव अ गुड डे.